Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to draw this. ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है आज का पोर्ट्रेट है. एंड यस, दिस इज ऑल्सो अ कमीशन आर्टवर्क. अगेन मैं आपके सामने आज एक और कमीशन आर्टवर्क लेके आई हूँ. एंड इसमें जो है ये कमीशन आर्टवर्क का ये जो साइज है ये A4 साइज है. एंड मैंने इसमें जो पेपर यूज किया हुआ है वो बिस्टल का पेपर यूज किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज किए हैं, मटेरियल के बारे में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आर्ट लाइन पेंसिल यूज किया है. मैंने कौन कौन सा आर्ट लाइन पेंसिल यूज किया, कौन कौन से ग्रेड के यूज किया है मैंने पेंसिल, वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ. तो सबसे पहले जो है मेरा, यस ऑफकोर्स, 2B इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे स्टार्टिंग के जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में जो हमारे हल्के लाइन्स होते हैं वो होता है 2B. 2B बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेंसिल है. इसको बिल्कुल भी ऐसा मत समझना आपकी 2B है तो हम अगर दूसरे से भी लाइट करेंगे तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. 2B बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 2B से आप बहुत सारे शेडिंग्स कर सकते हो, जहाँ लाइट टोन्स हमें चाहिए तो वहाँ 2B ही काम आता है. 2B के बाद है 4B है हमारा, देन 6B है, देन 8B है, एंड देन 10B है. ये जो है मेरा आर्ट लाइन का पेंसिल है. आर्ट लाइन से ही मैं अपना जो मोस्टली जो आर्टवर्क है उसको ड्रॉ करती हूँ. एंड चारकोल पेंसिल में ऑफकोर्स कैमलिन का, थोड़ा छोटा हो गया है बट ये दिस इज कैमलिन का चारकोल पेंसिल, सॉफ्ट चारकोल, इसको मैंने यूज किया है. कैमलिन का चारकोल पेंसिल, जैसे कि जो चारकोल पेंसिल है ये वाला एरिया, जो हेयर वाला एरिया दिख रहा है आपको, देन ब्लाउज वाला जो एरिया दिख रहा है ये साइड में ब्लाउज वाला, एंड ज्वेलरी पोर्शन में थोड़ा बहुत, कहीं कहीं ज्वेलरी पोर्शन जो है बहुत ही कहीं कहीं लाइट मैंने बहुत ही कम यूज किया है. एंड जो भी ये साड़ी वाला पोर्शन है, मीन्स जो सिल्क का साड़ी हमें दिख रहा है, जो सिल्क का साड़ी इन्होंने पहना हुआ है, तो ये जो साड़ी वाला पोर्शन है इसमें मैंने बिल्कुल भी चारकोल यूज नहीं किया है. इसमें मेरा मोस्टली जो जहाँ पे डेप्थ एरिया आपको दिख रहा है वहां पे मैंने 10B का यूज किया हुआ है. अदरवाइज ये ग्रेफाइट से ही है. ग्रेफाइट में 2B से मैंने स्टार्ट किया है. 2B मोस्टली 4B है, 2B है, एंड जहां डेप्थ दिख रहा है आपको वहां पे मैंने 8B और 10B का थोड़ा बहुत यूज किया मैंने. एंड ये साड़ी जो है ग्रेफाइट से हमारा रेडी हो गया है. एंड जितना भी फेस वाला एरिया है ये सारा ग्रेफाइट का है. एंड जो भी हमारा आईज वाला पोर्शन है वो है चारकोल पेंसिल का. एंड जो लिप्स वाला एरिया है तो मैंने ग्रेफाइट ही यूज किया, थोड़ा सा मैंने चारकोल दिया, हल्का सा टच दिया है, बिकॉज जहां पे वो मुझे ना डेप्थ नहीं आ रहा था तो मैंने बस उसके लिए थोड़ा सा लास्ट में चारकोल दिया है. अदरवाइज ये मैंने इसमें भी यूज किया है ग्रेफाइट ही. ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो इन्होंने साड़ी वेयर किया हुआ है वो जो है वो सिल्क की साड़ी वेयर की हुई है इन्होंने. तो सिल्क की जो साड़ी इन्होंने वेयर की हुई है तो वो वाला जो टेक्सचर होता है, सिल्क का जो टेक्सचर होता है, तो उसको उभारना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप नॉर्मल शेड कर देते हो साड़ी में, जैसे हम नॉर्मली हर एक साड़ी के लिए करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो सिल्क का साड़ी का टेक्सचर नहीं आता है. और जैसे आपको दिख रहा होगा लाइट शेड, डार्क शेड आप अच्छे से देख पा रहे होगे इनके बॉर्डर में, बॉर्डर एरिया में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा आपको. इधर भी मैंने डाला है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ सामने से तो मुझे दिख रहा है. तो ये वाला जो एरिया आपको यहाँ पे जरूर दिख रहा होगा, यहाँ पे जरूर दिख रहा होगा आपको कैमरे में, तो यहाँ पे वाला एरिया आप कंपेयर कर सकते हो कि ये जो लुक है वो सिल्क का लुक क्रिएट कर रहा है. क्योंकि आपको अगर कोई कस्टमर दे रहा है, आपको कोई वर्क दे रहा है, तो डेफिनेटली वो डिमांड करेगा कि जैसा मैंने आपको दिया है हूबहू आप वैसा ही आप उसको कॉपी पेस्ट करो. बिकॉज क्या होता है कि अगर हम उन्होंने की साड़ी पहनी और अगर हम उन्हें जॉर्जेट की साड़ी बना रहे हैं तो उसमें बहुत अंतर हो जाता है. तो हमें वो सिल्क की साड़ी को जो है उभार के लाना स्केचेस में अपने पोर्ट्रेट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड यस, मैंने ये किया है एंड ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है. और ये ब्रिस्टल का पेपर है A4 साइज, और इस पेपर की जो क्वालिटी है 250 GSM की है अराउंड. ये आई थिंक, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रही, बट हाँ 250 GSM के अराउंड की ही है ये पेपर क्वालिटी. आप इसका जो टेक्सचर है वो सुन सकते हैं, ये जो है इसकी क्वालिटी है. एंड यस, ये क्वाइट इनफ है. ये जो हमारा वर्क है, हमारा वर्क करने के लिए ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें दिया है. और हैप्पी, आई एम हैप्पी विद दैट. ये रिजल्ट जो है मैं इसे खुश हूँ और रिजल्ट अच्छी है इसकी. एंड देन आते हैं कम टू द इरेजर वाले पोर्शन पे.
इरेजर के लिए मैंने यहाँ पे ऑफकोर्स नीडेबल इरेजर तो बहुत ही ज्यादा मेरी फेवरेट है, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ नीडेबल इरेजर का यूज किया एंड मोनो जीरो इरेजर, एंड ये जो है इलेक्ट्रिक इरेजर इसको यूज किया बैटरी इरेजर। एंड इसको सबसे पहले गाइज आपको यूज करने से पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है इसमें कि आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप इसको यूज करते हो तो ये क्या होता है कि ये बैटरी के हेल्प से चलता है और इसके अंदर जो मशीन होती है ये इस वाले पॉइंट को मूव करती है, मीन्स फटाफट मूव करती है। यहाँ एक बटन दिया गया है, इससे मैं आपको आवाज सुनाती हूँ इसकी। ये जो है इसकी आवाज है और ये आप इसको आपको बहुत ही केयरफुली अपने वर्क में अप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल भी पहले नॉर्मल डायरेक्ट अपने पोर्ट्रेट में ट्राई मत करना, सबसे पहले आप इसको रफ में यूज करना और इसको प्रैक्टिस कर लेना। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर हम एक ही जगह इसको प्रेस करके रखे हुए और वो अपना मूव कर रहा है तो वो पेपर को आपके डैमेज कर सकता है। तो पेपर को डैमेज किया मीन्स आपकी स्केच खराब, क्योंकि फिर उसमें शेडिंग नहीं आएगी। अगर आपकी पेपर खराब हो गई मीन्स आपकी शेडिंग भी खराब हो गई, उसके बाद शेडिंग की कोई उम्मीद ही नहीं है, उसके बाद आप उसको ठीक भी नहीं कर पाओगे। तो पेपर अगर बोलते हैं ना अगर पेपर की क्वालिटी खराब है तो हम उसमें शेडिंग नहीं कर पाते, वही बात है कि अगर आपके पेपर को खराब कर देता है अगर आप एक ही जगह इसको प्रेस करके रखे रहते हो मूव करते हो तो अगर पेपर को खराब कर देता हो तो वहां पे आपकी जो है बिल्कुल भी शेडिंग अच्छी नहीं दिखेगी, चाहे वो अब कोई भी एरिया में आपका खराब हो गया हो वो एरिया बर्बाद हो जाता है। मीन्स आपकी पोर्ट्रेट आप कह सकते हो एक तरह से आपकी पोर्ट्रेट ही खराब हो जाती है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, स्मजिंग ब्लेंडिंग के लिए मैंने जो है ब्लेंडिंग स्टम्प्स एंड ऑफ कोर्स ब्रश, माय फेवरेट मैंने ब्रश है यहाँ पे, ये जो है मेकअप ब्रश है इसको मैंने यूज किया है यहाँ पे। तो मेकअप ब्रश को आप भी यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है मेकअप ब्रश तो आप स्टेशनरी शॉप से नॉर्मल जो सॉफ्ट ब्रश होते हैं सॉफ्ट वाले सॉफ्ट हेयर ब्रश होते हैं उसको आप परचेस करके इजिली आप अपने ड्रॉइंग को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हो। ओके, इस वाले पोर्ट्रेट में तो मैंने इतना ही मटेरियल यूज किया, एंड इसकी जो डिटेल वीडियो है एंड टाइम लैप्स वीडियो भी आपको चाहिए तो वो मैं अपलोड तो कर दूंगी, बट आई सजेस्ट यू बिगनर्स कि अगर मैं अपलोड करती हूँ इसका जो डिटेल वीडियो है तो प्लीज आप उसको चेकआउट करो और उसको अच्छे से देखो, क्योंकि मैं क्या होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं मीन्स 20 मिनट के आसपास का 25 मिनट के आसपास का रहता है, बट जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहता है मीन्स बहुत ही आपके लिए नॉलेजेबल रहता है वो वीडियो। उसमें मैं बहुत डिटेलिंग करके आपको समझाती हूँ कि मैंने क्या इसमें पुट किया है, कैसे इसको ड्रॉ किया है, मैं बहुत अच्छे से उसमें डिटेल में आपको समझा पाती हूँ। तो उसको आपको बहुत ही अच्छे से मैं कहूँगी कि आपको बिल्कुल देखना ही चाहिए, बिगनर्स हो और आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है जस्ट लाइक मी एंड मुझसे भी अच्छी, ऑफकोर्स मुझसे भी अच्छी, तो बिल्कुल आप मेरी जो डिटेलिंग वीडियो है उसको देखो, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। एंड टाइम लैप्स वीडियो भी देखना है तो मैं ऑफकोर्स मेरे जो चैनल है उस पर अपलोड किया हुआ रहता है टाइम लैप्स वीडियो भी, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगी। इसके बाद मैं दोनों वीडियोज़ को अपलोड करूंगी, मैं हर एक पोर्ट्रेट का जो नॉर्मल वीडियो है टाइम लैप्स वीडियो है एंड डिटेल वीडियो है वो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ आप उसको जाकर के चेकआउट कर लो, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी डिटेल वीडियो देखो प्लीज़ गाइज, बिकॉज डिटेल वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके प्रैक्टिस में, सो प्लीज़ वॉच माई डिटेल वीडियो। ओके, तो अभी क्या है आज का जो वीडियो है यहीं स्टॉप करेंगे। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कमेंट हो और कोई मैंने अगर मैंने कुछ नहीं बताया हो इस पोर्ट्रेट के रिगार्डिंग और आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे पूछ सकते हो। और वेट, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे तो प्लीज आप फटाफट से जाके फॉलो कर लेना यार, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे अच्छे रील्स एंड अपलोड्स करते रहती हूँ, वीडियोस अपने अपडेट्स जो है वहां पे बहुत ज्यादा डालते रहती हूँ, तो प्लीज आप वहां जाकर के मेरी आईडी को चेकआउट करो एंड प्लीज आप मुझे फॉलो करो, डेफिनेटली वहां भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, वहां मैं हर एक कोई का मैसेज का रिप्लाई करती हूँ एंड हर एक कोई का जिसको भी जो प्रॉब्लम होता है मैं उसका शॉर्ट आउट करती हूँ वहां पे प्रॉब्लम को, तो प्लीज आप मुझे जाकर के इंस्टाग्राम पे प्लीज डीएम करो, मैसेज करो एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, तो मैं इसका जो आईडी है मैं मेंशन कर दूंगी आपको स्क्रीन के ऊपर एंड जो मेरी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज गो एंड चेकआउट, आर्ट लाइफ विद सुमन के नाम से ही है तो मैं उसको जो है डाल दूंगी लिंक को। ओके, तो आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।